नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता है टीवी न्यूज चैनल। इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम सीधा सवाल। हमारे साथ आज चर्चा में जुड़े हैं रोहन जी, जो एसआई भर्ती के अभ्यर्थी हैं, और हमारे साथ में तिलक देवांगन जी हैं, वो भी अभ्यर्थी हैं, और साथ में हमारे चार उज्ज्वल दीवान जी हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद जनता पार्टी के हैं और संयुक्त पुलिस परिवार के संयोजक भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का। धन्यवाद। रोहन जी, आपसे ही मैं शुरुआत जो है करता हूँ। ये जो भर्ती प्रक्रिया जो लटकी है, कुछ लोग मांग कर रहे हैं कि रद्द होनी चाहिए, कुछ लोग मांग कर रहे हैं कि इसका रिजल्ट आना चाहिए, आप कैसे देखते हैं और इतना समय क्यों लग रहा है? क्योंकि कोर्ट की अगर हम बात करें तो कोर्ट ने जो आदेश जारी किया था उसकी भी तारीख निकल चुकी है। जी, कोर्ट ने जो आदेश जारी किया था उसकी तारीख निकल चुकी है, और ये जो ऐसे भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं कि हमारा कोर्ट से खारिज हो गया है, डबल बेंच से भी हमारे केस खारिज हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे दो केस अभी भी डबल बेंच में लाइनअप है, जिसका भी हमको टाइम टेबल नहीं मिला है, जिसका भी समय निर्धारित नहीं हुआ। ये तो बात अभी की होती है। अब जो बात गलती की है कि गलती कहाँ पर, इतना जो माहौल बनाया जा रहा है, इतनी सारी चीजें चल रही हैं, इसके बारे में आपको थोड़ा सा इसका आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि ये प्लाटून कमांडर में महिलाओं को नहीं लेना था। इन्होंने प्लाटून कमांडर में शुरू से महिलाओं को ले लिया, ठीक है, और ये जिसके कारण 1843 बच्चे बाहर हो गए। ये तो केवल हेड है, समान अंक की बात करें तो लगभग 3 से 4 हजार बच्चे मेंस नहीं दे पाए। और ये सुधार कहाँ से कर रहे हैं? ये सुधार कर रहे हैं मुख्य परीक्षा के आगे से। तो 4 हजार बच्चे जब दे ही नहीं पाए तो आप आगे भर्ती कितना भी बढ़ा लो, उससे क्या ही मतलब होगा। और हम रद्द रद्द करने का बात तो चलो जो है तो वो है, आप गलती सुधार दीजिए ना। हम तो और ये बोल रहे हैं कोर्ट के ऑर्डर के बाद, ये बोलते हैं कि आप बीच में से आ रहे हैं, हम कोई बीच में से नहीं आ रहे हैं। हमारा जो केस लगा था फ्री के बाद ही लग चुका था, और हमारे पास अब अगस्त का ऑर्डर भी है हमारे पास, जिसमें एनके व्यास सर ने, जो जस्टिस एनके व्यास सर ने है, सुधार के लिए बोला था, जिसमें कांग्रेस सरकार जो पिछली सरकार थी उन्होंने सुधार नहीं किया था। उसके बाद इन्होंने भर्ती प्रक्रिया को उसी तरीके से आगे ले जाते गए, और हमारी लड़ाई इनसे भी नहीं है, हम तो सिस्टम से लड़ रहे हैं। ये तो हमको इंगित करते हैं, हम तो सिस्टम से लड़ रहे हैं। और एक बात, दूसरा बात, अगर इनके प्रोसीजर की बात करें तो फिजिकल मेजरमेंट जो चौथा चरण है, उसमें फिजिकल टेस्ट के पहले, यानी जो भी इवेंट होते हैं, 5 इवेंट होने से, 1500 ऊंची कूद, लंबी कूद, इसके पहले फिजिकल मेजरमेंट यानी हाइट टेस्ट होना था। ये 2012 में हुआ था, इस बार तो नहीं हुआ। 2012 में इस फिजिकल मेजरमेंट के कारण ही बहुत सारे बच्चे बाहर हुए थे, इस बार नहीं हुए, इस बार तो चरण ही समाप्त कर दिया गया। ऐसा क्यों किया गया, जबकि राजपत्र में लिखा हुआ है साफ साफ, पुलिस भर्ती नियम 2006 में भी लिखा हुआ है, जो इनका बेस है पुलिस भर्ती नियम, उसमें भी लिखा हुआ है, ये क्यों नहीं किया इन्होंने? उसके बाद इन्होंने क्या बोलते हैं, 11 लोग ऐसे हैं, 11 ऐसी महिलाएं हैं, इसमें क्या बोलते हैं, पोस्ट अप्लाई कर दिया इन्होंने, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है केवल उसमें ना इनको शामिल करना चाहिए, इन्होंने पूरा शामिल कर दिया है, तब में उनको काउंट कर लिया गया है, जिसका मैं आपको चाहेंगे तो एविडेंस भी दे दूंगा। उसके बाद 4 महिलाएं ऐसी हैं जिनको प्लाटून कमांडर भरने के लिए आपने ऑप्शन दे दिया। ये तो 4 और 11 ये ऐसे लोग हैं जो हम फाइंड आउट कर पाए अपने स्तर पर, विद्यार्थी जीवन में रहते हुए, अदरवाइज ऐसे कितनी महिलाएं होंगी, ठीक है सर। इसके मैं आप तक आता हूँ, तिलक देवांगन से भी हम एक सवाल जो है ले लेते हैं। ये जो लड़ाई है दो तरफा, कुछ लोग पक्ष में हैं, कुछ लोग विपक्ष में हैं, कैसे लड़ाई लड़ी जा सकती है? सरकार तो यही चाहती है कि आप दो भागों में बटे रहें, आप जो है आधे इधर हो जाएं आधे उधर हो जाएं। वो आपने फिल्म देखी शोले, उसमें वो जो अंग्रेजों के जमाने का जेलर आता है, आधे इधर जाइए आधे उधर आइए, जाइए और आधे मेरे पीछे आइए, तो बचता कुछ नहीं है कि जो आधे जो मेरे पीछे आइए, तो जो एक दो लोग लड़ने वाले रह जाएंगे उनके पीछे तो कोई नहीं रह जाएगा। कैसे लड़ाई जो है लड़ी जा सकती है, क्योंकि तो सरकार ने तो दो भागों में बांट दिया है। जी सर, मैं इसमें ये बोलूंगा, मेरी आवाज आ रही है, पहले स्पष्ट कर दीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, साफ आवाज आ रही है, क्लियर आ रही है ना सर जी। ये जो कोई भी चीज सही है और कोई भी चीज गलत है, ये तय करने का अधिकार किसको दिया गया है संविधान में, आप बताइए। देखिए आप बताइए, हमारे यहाँ न्यायपालिका है। सवाल पूछने के लिए मैं सवाल पूछने के लिए बैठा हूँ, मैं यहाँ जवाब देने के लिए नहीं बैठा। ठीक है सर, आपको यहाँ पर अपनी बात रखने का अधिकार है। मैं जहाँ तक जी ठीक है सर, जो हमने पढ़ा है जिस संविधान में, उसमें हमको ये पता है कि कोई भी चीज सही और गलत होता है,
तो आदमी आई विल सी यू ऑन द कोर्ट क्यों बोलते हैं? कोर्ट से तय होता है ना भाई। जैसे उन्होंने बोला रोहन भाई ने कि प्लाटून कमांडर में ये हुआ, महिला लिए ये लिए वो लिए, हर चीज उस चीज को कोर्ट, हाई कोर्ट है, स्टेट का हाई कोर्ट, और एक बार नहीं एक ही याचिका चार बार खारिज हो रहा है और कल परसों खुद डबल बेंच में उस चीज को खारिज किया है। तो भाई कोई भी चीज कल परसों तो सही है गलत है ये हम तुम तय नहीं कर सकते। कल परसों कोई खारिज नहीं हुआ, 6 तारीख की घटना है वो, 6 तारीख की घटना है वो। आपकी बात सुने ना, अब हमारी बात सुन लो, ठीक है। हाई कोर्ट ने 370 अभ्यर्थी को है ना महिला के बदले लेने का आदेश दिया और 90 दिन में प्रक्रिया पूर्ण करने कहा। कोर्ट की तरफ से तो क्लियर है, कोर्ट में जाने से ये पूछा जाता है कि रिजल्ट जारी किए, रिजल्ट जारी किए, चार बार पांच बार होता है। जब भी नरेंद्र कुमार व्यास सर है उनके जगह में, तो मेरे कहने का अर्थात यह है सर कि तय करने वाला ये और मैं नहीं होंगे, है ना, ना ही प्रशासन होता है, कोर्ट होता है जो वो सही या गलत कोई भी चीज को तय करता है। और सर हमने, मैं भी एक आरक्षक हूँ महासमुंद जिला बल से, मेरे आरक्षक भाई लोग भी 50 लोग डाले थे, ठीक है। मैंने किस तरीके से समय निकाल के पढ़ के 5-6 चरणों में मैं पास हुआ, फिजिकल दिलाया और यहाँ तक पहुंचा हूँ, तो मेरी क्या गलती है मेरे रिजल्ट लेने में? मेरा अधिकार है कि नहीं ये बताइए, मेरा अधिकार है। इसलिए आज के रोहन जी के साथ पहुंचने से पहले हमारे साथ पीयूष जी जुड़े हैं, पीयूष जी से भी यही सवाल ले लेते हैं। पीयूष जी क्या कहेंगे आप इस भर्ती प्रक्रिया पर, क्योंकि जब दो तरफा राय बन रही है, रद्द होने की भी बात की जा रही है और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि रिजल्ट आए, तो आप क्या कहेंगे इस पर? क्योंकि जब भी कोई फैसला लिया जाता है वो दो तरफ से लिया, एक तो कोर्ट की तरफ से लिया जाता है कि कोर्ट क्या कह रहा है इसमें, दूसरा बहुमत से, क्योंकि हमने बहुत सारे कानून या जैसे अभी वक्त पर ही बातचीत चल रही है, तो अगर वक्त पर अपनी कोर्ट राय दे पाता, देश का माननीय अगर माननीय अदालतें अगर फैसला सुना पाती तो हमें बहुमत की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो फैसला जब कोर्ट नहीं कर पाती है तो फिर हमें बहुमत का आंकड़ा जो है चाहिए होता है। ये हमने राजनीति से लेकर के और जन आंदोलन तक बहुत सारी चीजों में आपने देखा होगा, कैसे आप देखते हैं कि क्या बहुमत छात्रों का बन रहा है और किस तरह बन रहा है, पहला सवाल ये, और दूसरा आप कोर्ट से कितना सहमत है? जी तो हमारा जो देश है वो संविधान से चलता है और संविधान की सत्ता अपना अपना न्यायपालिका कार्यपालिका अपना अपना कार्यक्षेत्र है। तो न्यायपालिका देखो जो असफल विद्यार्थी है मैं उनके भी सम्मान करता हूँ, मैं कभी नहीं बोल रहा हूँ कि उनका हक नहीं है, अगर कोई असफल है तो उनका हक है कि वो न्यायालय में जाए अपनी गुहार लगाए, लेकिन जो मेहनत की है जो मेहनत किया है उसका भी अपना अधिकार है, तो वो अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, आप भी हमारे भाई हैं, हम भी आपकी के जैसे हैं और आप भी हमारी जैसे हैं। तो अगर कुछ आपत्ति है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप कोर्ट में जाइए और कोर्ट में आप जा चुके हैं, हमारे ओर से फैसला आ चुका है, बार बार सर ने जज सर ने बार बार कहा है कि रिजल्ट जारी करो, सरकार का क्या राय है, सरकार क्यों नहीं जारी करी, सरकार की मंशा है कि नहीं है, और सरकार ने भी कहा है कई बार कि हम, सरकार ने कभी ये नहीं कहा कि हम रिजल्ट जारी नहीं करेंगे, सरकार ने हमेशा कहा, मंत्री जी ने हमेशा कहा कि 10-15 दिन में आ जाएगा। हाँ आश्वासन जो मिल रहा है उसमें हमें थोड़ा सी दिक्कत हो रही है, क्योंकि हम लोग एक ऐसे परिवार से आते हैं जहाँ पर आर्थिक संघर्ष भी है हमारे साथ। हाँ मैं खुद वेल क्वालिफाइड हूँ, मैं IIT मद्रास से मैंने MS कम्प्लीट किया है, ठीक है, तो मैं कोई ऐसा नहीं हूँ कि मैं कोई बहुत हूँ, मतलब बहुत फिजिकल मेरा ठीक है, लेकिन बात रखने का सभी को अधिकार है और अपनी बात जो है आपने जो रखी कि नहीं आप जो है इस बात से सहमत हैं। और उज्जवल दीवान साहब के पास पहुंचते हैं क्योंकि उन्होंने ही ये मुद्दा उठाया। रोहन साहब आपका वीडियो नहीं आ रहा है जी, आप दोबारा जुड़ने का प्रयास जो है करें। उज्जवल दीवान साहब जब बात ये कह रहे हैं पीयूष जी कि आश्वासन दिया जा रहा है, मना थोड़ी कर रहे हैं, मना कहाँ कर रहे हैं, तो मना नहीं कर रहे हैं, मना नहीं करते करते 9 महीने निकाल दिए हैं और कोर्ट के आदेश की भी अवहेलना कर डाली है, और कितना जो है मना करेंगे और कहाँ तक नहीं मना नहीं करेंगे। एक व्यक्ति आपको ना तो जो है मना करे और ना तो जो है तारीख बताए कि हम कब जो है चीज को लेकर के जो है करेंगे, कैसे देखते हैं आप, क्या ये चीज होना चाहिए, क्या राजनीति राजनीति बच्चों के साथ नहीं खेली जा रही या फिर भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा रहा है छत्तीसगढ़ के साथ में? जी जी मैं इसको आपको एकदम स्पष्ट कर देता हूँ, मेरा स्टैंड एकदम क्लियर है, भ्रष्टाचारियों और भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं खड़ा होता हूँ हमेशा। जी बीच में 10 सेकंड आपको रोकना चाहूंगा, जो हमारे दर्शक हैं जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, बीच में आप अपने सवाल हमारे कमेंट के माध्यम से आप कर सकते हैं दीवान साहब से, पीयूष जी से भी, और तिलक देवांगन जी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, आपका भी अपना कोई अलग से प्रश्न है, कोई सुझाव है,
तो वो भी आप जो है रख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अगर भेजते हैं तो आपके नाम, आपकी तस्वीर और आपके सवाल के साथ में हम जरूर पूछेंगे। जी रिवान साहब कंटिन्यू प्लीज। जी सर, तो मेरा यही कहना है, मेरा स्टैंड एकदम क्लियर है, दोनों पक्ष हैं जो एक लड़ाई लड़ रही है अपनी, दोनों पक्ष अपने अपने जगह पे सही हैं, मैं दोनों के पक्ष पे हूँ, लेकिन जो भ्रष्टाचारी हैं, जो भ्रष्टाचार किए हैं और जहाँ पे गलतियां हुई हैं, मेरी लड़ाई उनके खिलाफ है। मेरा स्टैंड एकदम क्लियर है कि 19 तारीख को मैंने इसीलिए बोला है कि मैं आऊंगा मैदान में, मेरा मैदान में उतरने का मेन उद्देश्य ही यही है कि गलत आदमी हमेशा बच के निकल जा रहा है, गलती करने वाला बच के निकल जा रहा है। ये तो दोनों पक्ष बच्चे हैं, दोनों अपनी तैयारियां कर रहे हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, 24 घंटे मेहनत करते हैं जी। इसमें कौन सही कौन गलत इससे मेरे को कोई मतलब नहीं, मेरा स्टैंड एकदम क्लियर है कि जिनके कारण इन बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, इतना समय लग रहा है, मैं उनके खिलाफ सड़क पर तो उतरूंगा ही, क्योंकि चाहे एक सवाल आया है आपके लिए, अभी लिखा है एक जो है बिग बॉस की तरफ से, उन्होंने डाला हुआ है, नाम अपना नहीं लिखा है, कि जब कोर्ट में मेंस की गलती स्वीकार हुई है, प्यारे की गलती क्यों स्वीकार नहीं की जा सकती है? प्री की गलती क्यों स्वीकार नहीं की जा सकती, ये कहा जा रहा है सर? प्री की गलती, प्री में गलती, जब मेंस में आपने गलती मान ली है तो प्री में स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं? और जो थोड़ी देर पहले तिलक भाई जो जुड़े हुए थे, तिलक भाई ने बोला कि कोर्ट ने जब आदेश दे दिया है कि 30% वुमेन को निकालिए, 370 मेल को लीजिए, इसका पहला मतलब है कि गलती हुई थी, इसका पहला मतलब तो है कि गलती हुई थी, ठीक है, भर्ती प्रक्रिया में आपने गलती की थी। नंबर एक, तो 30% वुमेन को निकाला कहा गया है, और इसका तर्क ये देते हैं कि फाइनल लिस्ट में निकालेंगे, उस फाइनल लिस्ट के कारण कितने सारे मेल कैंडिडेट आने से रह गए, भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने से रह गए, इसका जवाब कौन देगा? और अगर 30% वुमेन को निकाला गया है तो उसकी लिस्ट कहाँ पर है, इन्हीं की बात कर रहा हूं मैं। और दूसरे हमारे जो दूसरे भाई जुड़े हुए हैं वो बोल रहे हैं कि हम नॉर्मल फैमिली से हैं, तो हमारा हमारे पिताजी कोई करोड़पति नहीं है, हम भी यहाँ रह के तैयारी कर रहे हैं। देखिए इसका मेन सर मेरे को जो समझ में आया है, पूरा लाट तक के ये चीजें जो देखने को मिल रही हैं, इसमें किसी की जिम्मेदारी तय नहीं की जा रही है, जब तक जिम्मेदारी तय नहीं होगी, जब तक गलत लोगों पर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक ये मुद्दे भारत भर में उठते रहे हैं आज तक के, तो मेन मुद्दा यहाँ पे है। और मैं तो इस पे कार्रवाई करवा के ही रहूंगा चाहे कोई भी स्थिति आ जाए, क्योंकि गलत हो रहा है तो गलत के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होनी ही चाहिए जी। गलती किसी की भी हो, और अगर लॉ सबसे ऊपर है ना सर, अगर लॉ सबसे ऊपर है तो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट भी है, हम वहां जाएंगे, गलती तो नहीं होगी, आप हर जगह जा सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, न्यायपालिका सबके लिए खुली है, लेकिन अभी जो न्यायालय ने आदेश दिया उसका तो पालन होना चाहिए ना भैया। और रही बात सर, ये लोग हर चीज में डालते हैं कि प्री मेंस निकालने के बाद, प्री मेंस निकालने के बाद अभी फिजिकल में फेल होने के बाद ये लोग बोलते हैं इसमें भ्रष्टाचार हुआ है और इसमें गलती हुआ है करके, पहले समझ भी नहीं आया, जब फेल हो जाते हैं तब इनको समझ में आता है। आप अपना नॉलेज चेक कर लीजिए, मैं चेक कर रहा हूँ, आप अपना नॉलेज चेक कर लीजिए, चेक करके ऑर्डर था यही एनके का ऑर्डर था। अभी गुंजल दीवान भैया के साथ में जो नाम है उसमें से कुछ नाम ऐसे हैं करके मैं चाहूंगा कि वो फिजिकल से फेल हुआ है और वो बोल रहे हैं कि मैं फ्री से गलत हुआ है। अभी जो है मैं रोकना आपको चाहूंगा कि कोर्ट ने कोई गलती स्वीकार नहीं किया है, मिस कैलकुलेशन था जिसे सुधार किया गया है, और साथ ही उन्होंने लिखा है कि रिजल्ट जारी होना चाहिए। हमारे साथ में योगेश जी हैं, उन्होंने लिखा है कि रिजल्ट को जारी कर देना चाहिए और न्यू भर्ती के लिए आंदोलन उचित है, वो होना ही चाहिए, कोई समस्या नहीं है उसमें। और जी ये आंदोलन सर न्यू भर्ती के लिए नहीं है, पहली बात हम आपसे बस ये बोल रहे हैं, हमारे इन भाइयों से भी कुछ नहीं, हमारे साथ के भाई हैं, हमसे आगे निकल गए हैं, पढ़ने में ज्यादा अच्छे थे, आप कोर्ट का सम्मान कीजिए, क्या करें, अरे भाई हम कौन होते हैं कोर्ट का आदेश वाला, हमारे लिए थोड़ी आया है तो आपके लिए आया है। जी मैं उसी को ना मानते हुए आप तो आंदोलन कर रहे हैं रहेगी। अरे भाई प्री एग्जाम स्क्रूटनी टेस्ट था नेक्स्ट राउंड के लिए, इसमें मेंस से सुधार हुआ है क्योंकि मेंस के नंबर से ही सिलेक्शन होना था, ये लिखते हैं विवेक वर्मा, समझ नहीं पाएंगे जी।
योगेश राठौर जी लिखते हैं, कोर्ट का आदेश आ चुका है, सरकार को तुरंत परिणाम जारी करना ही चाहिए, एसआई रिजल्ट जारी करने चाहिए। ये लगातार जो है लोग कमेंट कर रहे हैं। विवेक वर्मा जी भी लिख रहे हैं कि प्रथम चरण के बाद अलग अलग पोस्ट के हिसाब से अलग अलग लिस्ट निकालना था, जिसमें गलती माना गया और उसके हिसाब से सुधार किया भी गया है। तो इसमें मैं ये समझना चाहता हूँ, क्या सुधार किया गया है दीवान साहब? जो पहली लिस्ट में जो निकाली गई थी उसमें गलती भी मानी गई, लेकिन इसमें सुधार क्या किया गया? जी देखिए, इसमें सर सुधार की जो बात थी उसको तो प्रथम चरण से ही करना चाहिए था। गलती तो हो गई है विभाग के द्वारा। मैं इसीलिए बार बार बोलता हूँ ना कि जो जिम्मेदार हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से। सब इंस्पेक्टर की जो भर्ती है सर, बहुत बड़ा पद होता है सब इंस्पेक्टर। इसमें पढ़े लिखे युवा आते हैं, जो ऑलरेडी ग्रेजुएट होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं, योग्य होते हैं, वो लोग ये एग्जाम दिलाते हैं। कोई ये छोटी मोटी नौकरी नहीं है कि आप इतनी लापरवाही से ये भर्तियां ले। जो मैंने बताया कि प्रश्न विलोपित हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? आपने 100 प्रश्न छत्तीसगढ़ राज्य से नहीं निकाल पाए, 100 प्रश्न भारत से नहीं निकाल पा रहे हो, आपको प्रश्न विलोपित करना पड़ जा रहा है, तो उसमें कई बच्चों का करियर खत्म हो गया। आपकी एक गलती के कारण आज इतना डिस्प्यूट पैदा हो गया है कि आज जो युवा वर्ग है, जो हमेशा परीक्षा की तैयारी करता आया है, आज वो दो पक्षों में बट गया है। जो हो सकता है कि इनमें से कई आपस में रूममेट होंगे, कोई एक ही कोचिंग में पढ़ते होंगे, स्थिति है, और सब आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन आज ये दो पक्षों में, जो आपने बोला ना, सरकार की वजह से दो पक्षों में बट गए हैं। तो सर ये स्थिति क्यों आई? तो मेरे को तो जिम्मेदारों पर कार्रवाई करवानी ही है, और इसके लिए चाहे आपको आपको भी मैं थोड़ा सा बस रोक रहा हूँ, क्योंकि आप बार बार कैमरा ना बंद करें। योगेश कुमार लिख रहे हैं, आदमी की भाषा से समझ आ रहा है कि कौन पढ़ने वाला है। भैया ये सब पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और पुलिस की भाषा ऐसी होनी चाहिए, पहले सिखा रहे हैं, तो पढ़ने की क्या आवश्यकता नहीं है। साथ में जो है धर्मेंद्र शुक्ला जी, यहाँ से मिस्टर हरवंश जी लिख रहे हैं, बिल्कुल आप तक आ रहा हूँ, थोड़ा सा इंतजार जारी करने से पता चलेगा। और साथ में जो कोर्ट में 370 लड़कियों को निकालने का आदेश आया, उसका पालन क्यों नहीं किया जा रहा है, ये भी सवाल एक आया है। 370 लड़कियों को निकालने का जो आदेश कोर्ट में 370 सर, कोर्ट ने कभी 370 लड़की को निकालने का आदेश नहीं दी। लेकिन ऐसा यहाँ पर लिखा जा रहा है, ये अभिषेक बनर्जी लिख रहे हैं, 80% डिलीवरी वुमेन, 370 मेल कैंडिडेट विल बी एडेड। ये कोर्ट में नहीं कहा, आदेश में आखिरी पन्ने में जाइए आप, जहाँ नरेंद्र कुमार व्यास जी का साइन है ना, उसके पहले लिखा है ये। आप देखिए कोर्ट में, कोर्ट में देखिए अच्छे से, 370 को बाहर निकालने का आदेश नहीं दिया है आपने, एक्स्ट्रा ले दिए हैं, तो उसके एवज में 370 लड़के बेंच से लेने बोले हैं। अगर मेरा नॉलेज सही है तो क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि बाहर निकालना। आप बता दीजिए क्वेश्चन का मतलब क्या होता है? तो भाई उसके दीवान साहब राहुल चंद्र जी उसके 20 लाख लिख रहे हैं, उसके बाद भी कोर्ट ने और न्यायालय दे दिया। आवाज भाई एक सेकंड, क्या कुछ सवाल पूछ रहे हैं? सवाल है, राहुल चंद्र जी लिख रहे हैं 25 लाख, तो ये 25 लाख का क्या मतलब है? जी आप सिर्फ 25 पकड़िए, प्रूफ दिखाइए और ले जाइए। क्या बोल रहे सर, 25 क्या है? 25 लाख लिखते हैं राहुल चंद्र जी, एक जो देख रहे हैं दर्शक उसी में से जो है लिखते हैं, वो लिखते हैं 25 लाख। इसका क्या मतलब है और क्या आरोप है उनका सीधा? अब देखिए उनका ये तो स्टैंड होगा कि पैसे लेन देन होने की बात हुई है, लेकिन मैं आपको ये चीज बता देता हूँ कि पैसे लेन देन हुए हैं तो जो दिए हैं उस पर कुछ FIR भी हुए हैं, पहले इसी भर्ती से रिलेटेड कुछ FIR भी हुए हैं, और हो सकता है कि आने वाले समय में भी हमको देखने को मिले। लेकिन अभी वर्तमान स्थिति जो फंसी हुई है, सरकार के जिम्मेदार लोग जो अपनी जिम्मेदारी फिर से सही समय से और सही तरीके से नहीं निभा रहे हैं, उनके ऊपर क्या कार्रवाई होगी? अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? नहीं होगा तभी तो पता चलेगा ना कौन कहां किसका है। मैं रोहन जी से पूछ लेता हूं। रोहन जी, विवेक वर्मा जो दर्शक है, रोहन जी वो कह रहे हैं कि प्रथम चरण का जो मतलब PST है, राजपत्र पढ़ने के लिए बोलिए, ये कह रहे हैं राजपत्र में क्या ऐसा कुछ दिया है? अगर मैं राजपत्र पढ़ लेता हूँ सर, तो मैं बोल देता हूँ कि राजपत्र में लिखा था कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना चाहिए, वो नहीं हुआ। राजपत्र में ये लिखा हुआ था कि
पद का 20 गुना लेना है, वहां तो आरक्षण की बात कही नहीं गई थी, तो 1 से लेकर 20 तक लो वो तो आपने लिया नहीं, वहां आरक्षण तो चला दिया। ये सब राजपत्र में अक्षर से लिखा हुआ है, मैं आपको सामने बोल दे रहा हूँ, बोलेंगे तो उज्जवल भैया के माध्यम से आपको कॉपी पहुंचवा दूंगा, अक्षर से लिखा हुआ है ये, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट क्यों नहीं हुआ अभी तक, ठीक है। और सर एक सेकंड आपको बोलना चाहूंगा, ये आप ही के फैटर्निटी में, मीडिया फैटर्निटी में ये कहा गया था, बहुत सारे न्यूज में आई थी पिछले साल कि व्यापम से फोर्थफुली रिजल्ट दिया गया था, व्यापम से फोर्थफुली रिजल्ट दिया गया और डीजीपी आकर रिजल्ट लेके गए थे, जबकि रिजल्ट अगर जाना चाहिए व्यापम से तो चैनलाइज होकर जाना चाहिए, तो क्यों नहीं गया। और दूसरी बात, इसमें ऐसा हुआ था सर कि 18 और 19 तारीख को क्या बोलते हैं रिजल्ट आया, और 18 और 19 जून 2023 को इनका एडमिट कार्ड जारी हो रहा है मुख्य परीक्षा का, और रिजल्ट कब आ रहा है 21 जून को आ रहा है। मतलब जो बीच के लोग हैं जिनको पता ही नहीं हमको मेंस में जाना है कि नहीं जाना है, वो कहां जाएंगे उनके साथ, मैं तो मेंस से बात कर रहा हूं, ये चीज प्री में भी हुई थी लेकिन मैं मेंस से बता रहा हूं आपको, ये तो अन्याय है ना सर। और ये तर्क देते हैं यूपीएससी सीजीपीएससी एसएससी, इनका टाइम टेबल 5-5 चरणों में आप एग्जाम ले रहे हो, आपको टाइम टेबल सेट करने का होश नहीं है। 12 जनवरी 2023 की बात है, राष्ट्रीय युवा दिवस था, बिलासपुर में पूर्व मुख्यमंत्री बघेल सर थे, उनसे एक युवा ने बोला कि कका फ्री है करा दे, तो कका 17 तारीख को शाम को सुनाई में आ रहा है कि 29 जनवरी को फ्री है, ये 12 दिन के नोटिस में फ्री ले रहे हैं, और तो ये कोई पॉइंट है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन इतने बड़े एग्जाम को एक सही तरीके से लेना चाहिए सर, आप बताइए। हमारे साथ तेजपाल साहू जी हैं, उनसे मेरा सवाल ये है, अभी एक दर्शक हमारे सवाल भेज रहे हैं कि मेरा ये कहना है कि जो अभ्यर्थी असफल हो गए हैं 341 पोस्ट में ध्यान दें, नहीं तो इसमें भी कोर्ट केस लगाएंगे जी, क्या कहेंगे आप तेजपाल जी? बिल्कुल सर, मैं यही कहना चाहूंगा कि कोर्ट का जो निर्णय है, जितना भी आरोप लग रहे हैं सब तो ठीक है कि इन लोग बोल रहे हैं कि ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, लेकिन इन लोग जैसे प्री में फेल हो गए, तो प्री में फेल होने के बाद हुआ ये कि इन लोग मेंस देने पहुंच गए, तब तक राजपत्र में इनको गलती नहीं दिखा कि राजपत्र में गलती था, हम लोग मेंस नहीं देंगे जब तक इसमें सुधार नहीं होगा, ये नहीं कहना था इनका, इन लोग मेंस दिए, मेंस में जब फेल हुए तब बोलते हैं कि नहीं प्री वाले लोग सही बोल रहे हैं, जो 4 लोग केस लगाए हैं प्री में उन लोग के साथ अब हम है क्योंकि अब हम मेंस में फेल हो चुके हैं, फिर कुछ लोग फिजिकल में फेल हुए, उन लोग बोलते हैं कि नहीं प्री और मेंस दोनों में गलती हुआ था क्योंकि अब हम फिजिकल में फेल हो गए हैं तो अब हम इनके साथ हैं, ये हो रहा है यहाँ पे। और संख्या बल का बात करेंगे सर, तो संख्या बल हमेशा जो असफल अभ्यर्थी रहते हैं किसी भी एग्जाम में, मैं भी बहुत सारे एग्जाम में असफल हुआ हूं तो मेरे को भी पता है वो चीज़ की, जैसे अभी हॉस्टल वार्डन का एग्जाम है, 6 लाख फॉर्म भराया है, 300 लोग का ही होना है उसमें, तो असफल अभ्यर्थियों की संख्या ही ज़्यादा रहेगी, ऐसे में कोई भी भर्ती प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाएगी अगर ऐसा होगा तो, आप ही बताइए। लगभग आपके आज के डिबेट में कम से कम मेरे हिसाब से 2000 से ऊपर कमेंट आ गए, मुझे पढ़ना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। पुलिस को जो एक राधिका जी हैं वो लिख रही हैं कि पुलिस को जो 5% आरक्षण दिया गया है उसमें समस्त आरक्षण का उल्लेख कर उसे जातिगत आरक्षण में बांटना क्या ये गलत नहीं है? दीवान साहब आपसे पूछना चाहूंगा इस सवाल का उत्तर, राधिका जो कह रही है, सवाल पूछ रही है। इसमें तो मैं खुद प्रत्याशी हूँ, मैं खुद भी मेरे 5% के आरक्षण के लिए मैंने खुद पिटीशन लगाया हुआ था माननीय उच्च न्यायालय में, अभी उस चीज का तो आज तक क्लियर ही नहीं हुआ, हमारी खुद की फाइल दबा दी गई या क्या हुआ पता नहीं, खारिज हो गया बोले वकील साहब का भी आज तक समझ नहीं आया, तो बहुत सारी विसंगतियां रही सर, पॉइंट टू पॉइंट चीजों को इन लोगों ने क्लियर नहीं किया। आज जो विवाद की स्थिति जो बनी हुई है वो बहुत जरूरी है कि विवाद की स्थिति ना बने किसी भी, ये बहुत बड़ा एग्जाम है सर, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में एक तो पुलिस विभाग बहुत सेंसिटिव विभाग है, छत्तीसगढ़ में नक्सल प्रभावित इलाका है हमारा, बहुत ज्यादा तकलीफें हैं, जो युवा भी भर्ती होके आएंगे या जो प्रयास कर रहे हैं इनको इन फ्यूचर बस्तर में ही जाना है पहले, वहां पर नक्सलियों के खिलाफ रेडियो और ऑडियो दोनों चीजें आप जो है वीडियो और ऑडियो आप अपना जो है खोल लीजिए। आशीष लिख रहे हैं, रोहन जी कह रहे हैं कि एक बार से डिसीजन तो कम से कम पढ़ लीजिए, भाई साहब भर्ती में टोटल 370 महिलाएं हैं ही नहीं तो बाहर कहां से निकालेंगे, मतलब पूरी जानकारी लोगों को है नहीं क्या जी? भैया उसके कारण अब इन्होंने गलती कहां से की, भैया इन्होंने गलती फ्री से करते आए, ठीक है फ्री से मेंस में लाने में गलती की, मेंस से फिजिकल में, अब जब वहां आपने सारे लड़कियों के कारण वहां लड़कों को छांट दिया, ठीक है भैया अब बोल रहे और जस्टिफिकेशन कहां दे रहे हैं कि 370 मेल को ले लो और वहां 4000 बच्चे बाहर हो गए उसका कुछ नहीं, ये कहां का न्याय है भैया जी? इसका जवाब दे दीजिए, जवाब
जी जी अब हाई कोर्ट कर रहे हैं भैया, हाई कोर्ट तो सभी उसका उनका उनका डिसीजन सबको मान्य है, लेकिन भैया हमने क्या किया है हम तो, और भाई अगर कोई आपकी बात नहीं समझेगा तो आप उससे ऊपर के लोगों के पास जाएंगे, तो हम जा रहे हैं भैया जी। आप अगर आपका चैनल है, अगर आप मेरी बात नहीं समझेंगे तो आपके ऊपर भी तो कुछ होगा भैया, वहां जाएंगे हम उनको समझाने का प्रयास करेंगे, यही तो बोल रहे हैं भैया। बिल्कुल, लेकिन एक और सवाल आया कि प्रारंभिक परीक्षा से गलतियां हुई हैं, सुधार प्रारंभिक परीक्षा से होना चाहिए, क्या ये हल हो सकता है? जी बिल्कुल होना चाहिए, यही तो मांग कर रहे हैं सर। माननीय हाई कोर्ट द्वारा सर, माननीय हाई कोर्ट द्वारा ऑर्डर शीट में ये बोला गया है, और बार बार आप वीडियो भी देख सकते हैं यूट्यूब में डाला हुआ है, कि अभी डबल बेंच में भी यही बोला गया है कि प्री तो स्क्रीनिंग टेस्ट था, उसके लिए ऐसा ये चीज लागू नहीं होता है जी। ये चीज बार बार राजपत्र के हिसाब से 1 से लेकर 20 गुना तक सीधा बुलाना था, वहाँ आरक्षण रोस्टर क्यों आ गया, वहाँ आरक्षण रोस्टर नहीं आना था, जब स्क्रीनिंग टेस्ट ये होता है स्क्रीनिंग में स्क्रीनिंग होती है तो वहाँ आरक्षण रोस्टर आना नहीं चाहिए, 1001 नंबर 1 से लेकर 20 गुना तक सीधा बुलाना था, तो वहाँ ऐसा क्यों कर दिए? ये भैया ही बोल रहे हैं हमारे साथ के भैया, कलेक्ट होगा से ही लागू होता है, अभी तक जो इससे पहले भी 2 भर्तियां लागू हुई है उसमें सेम प्रोसेस से भर्ती हुई है, तो भैया बोलिए ना उसी, मैं तो राजपत्र की बात कर रहा हूँ भैया। आशीष लिख रहे हैं कि एक व्यक्ति भी अगर पैसे देने का प्रूफ कर देता है तो हम सभी सफल अभ्यर्थी भी खड़े हो जाएंगे, चलिए कहीं से प्रूफ को दीजिए, सिर्फ आरोप लगाने से भैया आरोप क्यों, एक अभ्यर्थी भैया दूसरे भैया ये बताइए FIR हुआ है तो FIR की जांच करने के लिए अथॉरिटी तो मिली नहीं है मेरे को, अभी ना वो सब इंस्पेक्टर बने हैं और हम तो बहुत दूर हैं, तो भैया जो जांच तो वो करेगा ना जहां पर FIR हुआ है, हम कहां से कर देंगे, हम तो FIR की कॉपी ले आए, वही बहुत बड़ी बात है, हम तो दिखा भी रहे हैं। बिल्कुल दीवान साहब, आप क्या कहेंगे कुछ इस मामले में कि क्या अब हो सकता है और आगे जो कार्यवाही होने वाली है उसमें अब कोर्ट क्या जो है कोर्ट का क्या निर्णय आएगा? देखिए माननीय न्यायालय का जो भी निर्णय होगा वो तो हमारे लिए मान्य है, चाहे वो उच्च न्यायालय का हो चाहे सुप्रीम कोर्ट का हो, हमारे लिए वो मान्य है। लेकिन मैं फिर बोलना चाहूंगा कि जो आज ये विवाद की स्थिति पैदा हो गई है, जो स्थितियां निर्मित हुई है, तो उसके लिए मैं 100% सड़क पे फिर उतरूंगा, फिर बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये विवाद की स्थिति ये पहली भर्ती नहीं है ना सर, बार बार ये स्थितियां पैदा हो रही हैं, जिम्मेदार लोग अपना पल्ला झाड़ के भग जा रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है तो भ्रष्टाचार की स्थिति कहाँ से निर्मित हो रही है, अगर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो आग लगी होगी, तब तो धुआं उठा है। मेन मुद्दा मेरा यही कहना है कि मैं तो शासन अपनी कमियों को छुपाने के लिए कुछ भी बोल दे, शासन में बैठे लोग बोल दे, स्पष्ट तो नहीं कर पा रहे हैं इन बच्चों को, आज सारे राज्य के युवा इसी से परेशान है, 33,000 शिक्षकों की भर्ती निकल के आज पेंडिंग हो चुकी है, वो भी भर्ती नहीं हो पा रही है, तो बहुत सारी चीजें बहुत सारी विसंगतियां हैं जिनके लिए मुझे तो सड़क पर उतरना ही पड़ेगा, भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं तो हम तो बोलेंगे ही ना कि भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करो, तब तक भ्रष्टाचारियों को ये बचा के रखेंगे, और सरकार किसी की भी आती है भ्रष्टाचारी बच के निकल जाते हैं। बाकी ये जो युवाओं के साथ गलत हो रहा है और जो भी है सरकार को निर्णय लेना चाहिए, सरकार उसके लिए स्वतंत्र है, क्यों नहीं ले पा रही निर्णय, वो बच्चे प्रूफ के साथ में इधर भी बच्चे प्रूफ के साथ बैठे हुए, दोनों पक्ष प्रूफ के साथ बैठा हुआ है, सुनो आप उनका कार्रवाई तो करो, सारा सबूत दे दे रहे दोनों पक्ष अपने अपने पक्ष को रख ले रहे हैं, मैं तो हमारे साथ में लेकिन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ खड़ा रहूंगा जी। तरेश सरवंश जी जुड़ चुके हैं, तरेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका जी, धन्यवाद जी। हाँ इतने सारे लोग अपनी आवाज उठा रहे हैं पूरे छत्तीसगढ़ में और लोग चाह भी रहे हैं कि उनके साथ इंसाफ हो, क्योंकि उन्होंने जो है कहीं ना कहीं अपना समय बर्बाद किया है और इस परीक्षा के लिए तैयारी भी की है, कुछ लोगों की उम्र भी निकल गई है इसी के चलते, तो बहुत सारे लोग जो है हो चुके हैं अपने आप को बर्बाद कर चुके हैं, इसके बावजूद भी सरकार जाग नहीं रही है, और साथ में छात्रों को और लड़वाने का प्रयास किया जा रहा है कि छात्र आपस में लड़े, क्योंकि कुछ लोग जो है इस पक्ष में आए कि भर्ती रद्द हो, कुछ लोग इस पक्ष में आए कि रिजल्ट जो है निकले, तो आपस में लड़ेंगे और उसी के ऊपर तीसरा भी एक जो है कहीं ना कहीं एक गैंग एक तरह से गठित हो रहा है, अगर ऐसा आरोप प्रत्यारोप जो लगाए जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि 25 लाख जो है लिए हैं, अगर इतने ही एविडेंस हैं मैं तो सभी से कह रहा हूं कि आप चैनल पर ले आइए मैं चलाऊंगा, 25 लाख किसने दिए कहां से दिए, और मैं इसको जो है बिल्कुल मैं तो चाहूंगा कि इस पर जो है आप बहुत बड़ा जो है ध्यान कहीं ना कहीं आकृष्ट आप कर सकते हैं और सरकार जा सकती है इस मामले में।
पुलिस विभाग के बड़े अधिकारियों पर कार्यवाही हो सकती है, लेकिन 25 लाख के जो भी लोग लिख रहे हैं, मेरा अनुरोध है उनसे फिर पुनः कि आप ले आइए और हम जो है चैनल पर आपके इस एविडेंस को चलाएंगे कि आपके पास क्या एविडेंस है। तो भर्ती रद्द करो वाले भी बहुत सारे हैं, एसआई रिजल्ट जारी करो वाले भी बहुत सारे हैं। मुझे लगता है 5-6 हज़ार से ऊपर कमेंट जो है आ चुका है लोगों का, लगातार जो है लोग देख रहे हैं, जो दर्शक हैं, और वो लिख भी रहे हैं। आशीष जी लिख रहे हैं कि आरोप पत्र से कुछ नहीं होता है, साहब आप एक पुलिस रह चुके हैं फिर भी आप सिर्फ आरोप भर की बातें कर रहे हैं, प्रूफ दीजिए ना, हम भी देखें कौन दिया किसको दिया, ऐसा चलो देखते हैं प्रूफ। अच्छा शायद किसी बातचीत कर रहे हैं जी। दीवान साहब बोलने से क्या होता है सर कोई भी चीज को? हाँ नहीं, पहले तरेश साहब से ही मैं पूछ लेता हूँ। तरेश जी क्या कैसे आप देखते हैं कि किस तरह से लोग न्याय के लिए लड़ पाएंगे, क्योंकि जब तीन तीन टुकड़ों में बट गई है जो छात्र जो रणनीति है वो कैसे तय करेंगे, क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं सफल हो रही है, पुलिस विभाग सफल हो रहा है, माफिया भी सफल हो रहा है अगर ये कहा जाए जी। देखिए अभी मैं तो सख्त सख्त डिपार्टमेंट को जरूरत है पुलिस की, और रहे बात सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की, ये 2013 के बाद अब तक नहीं हुई है, और ये पिछले 6 साल से प्रक्रियाधीन है। ये रहा सवाल कुछ डिसक्वालीफाई भाइयों का, तो उनका सीधा मुद्दा था कि प्लाटून कमांडर में लड़कियों को लिया गया है करके, तो माननीय न्यायालय ने निष्पक्ष आदेश दिया, उनके जो जैसा था वैसा ही ऑर्डर आया है, इस व्यवस्था हर चीज को लिया जाए बिल्कुल, ये उसके बाद रिजल्ट जारी करके प्रक्रिया को पूर्ण करें। ये इन्होंने सिंगल बेंच पे लगाया, डबल बेंच पे लगाया, दोनों तरफ हुआ, तो माननीय न्यायालय का यहाँ पे अवहेलना नहीं करना चाहिए। और बाकी भाइयों को अभी रिसेंट में न्यूज भी आया कि 340 और भी पोस्ट आ गया, तो यही एक भर्ती नहीं है, और भी आप तैयारी करिए, अच्छे से मेहनत करिए, तो आगे भी आप सफलता जरूर प्राप्त करेंगे। लेकिन न्यायालय के आदेश के हिसाब से जल्द से जल्द रिजल्ट निकाल जारी करके उनकी भर्ती कम्प्लीट किया जाए। और रहा सवाल की गड़बड़ी हुई है, पैसा चला है, देखिए अगर मैं रिलेट करूंगा पीएससी एग्जाम की, तो वो सब उजागर हुआ है, रिजल्ट आया, सबका नाम आया, तब जाए कहीं कहीं पारदर्शिता झलका और पता चल लोगों की हाँ ये इनका ऐसा ऐसा चीज है। सेम यहाँ भी वही हो सकता है, आरोप प्रत्यारोप करने से कुछ नहीं होता है, रिजल्ट जारी होगा, रिजल्ट जारी होने से बाद पता चलेगा। और मैं तो चाहूंगा ही कि जो जो अगर ऐसा पता चलता है कि भ्रष्टाचार हुआ है जिसके नाम से, तो उनको तुरंत तत्काल बाहर करें, इससे बाकी भाइयों का ही फायदा है जो वेटिंग लिस्ट में रहेंगे उनका, तो ऐसे आरोप प्रत्यारोप से कुछ नहीं बात बनेगी, सीधा रिजल्ट जारी करके 6 साल जो भर्ती चल रहे उनको नियुक्ति दे, और अगर ऐसा कहीं पाया जा रहा है तो उनको सीधा बाहर करें, बाहर का रास्ता दिखाएं, ये मेरा सुझाव। मैं ये भैया से बोलना चाहता हूँ जो भैया बोल रहे हैं, भैया से मेरा केवल एक सवाल है कि 370 लोगों को जहाँ से बोला गया सुधार करने के, क्या उसके पहले चरण से 370 का 5 गुना करेंगे तो 1843 लड़के जो मेल सी नहीं दे पाए, वो गलती नहीं है आपके हिसाब से? देखिए वो किसी भी एंगल से गलती नहीं था, अगर आप देखेंगे पूरा प्रक्रिया को आप देखेंगे तो उसमें राजपत्र में भी यही लिखा गया है कि सबको साथ लेके चलना है। आप देखिए एक रूम में काजू रखा है, बादाम रखा है, सुन लीजिए पहले बात सुन लीजिए उसका, वही बोल रहा हूँ, तो सबको, अरे भैया आदमी पूरा सबके साथ एक रूम में जाएगा तो सब भी तो जाएंगे ना, सेम वैसी प्रक्रिया धीन रहता है, वो तो लास्ट में डिसाइड होता है ना कि कौन है बाहर जाएगा कौन नहीं बाहर जाएगा, वो लास्ट में डिसाइड होता है। यदि किसी महिला को प्लाटून कमांडर हुआ है उनका, वो लास्ट में डिसाइड होता है। ठीक है भैया सबको साथ लेके, कोई डीएसपी के लिए एलिजिबल, सर डीएसपी के लिए कोई एलिजिबल नहीं है, है ना, पीएससी में क्या होता है डीएसपी के लिए कोई एलिजिबल नहीं है, लेकिन फिर भी उसका नाम उस रेंज में रहता है, लास्ट में डीएसपी को जब मिलना रहता है तब उसका नाम हटाया जाता है वहां से, तो अभी कोई महिला को प्लाटून कमांडर का पद ऐसे दे नहीं दिया है, जिस दिन देंगे उस दिन गलत होगा ना भाई, और उस चीज को तो क्लियर कर चुका है कोर्ट। मैं पहले बताया सर, हम और आप तय नहीं कर सकते, न्यायपालिका है हमारे यहाँ, संविधान के तहत न्यायपालिका सिद्ध करेगी उस तरीके से काम होता है, तो हम और आप नहीं हो सकते कि कौन तय करने वाले क्या सही है क्या गलत है। ठीक है जब न्यायपालिका ही तय करेगी तो न्यायपालिका ही तय करेगी क्या जी। और रोहन जी क्या इस तरह से जो है केवल प्रत्यारोप से क्या ये हल निकलने वाला है? रोहन जी असल में आपको क्या लगता है कैसे हल निकलेगा, क्या एक तरीका ये भी हो सकता है खड़ी करने के साथ साथ साफ से राजपत्र में लिखा है कि सबका साथ सबका विकास, ये कहीं नहीं लिखा है राजपत्र में, ठीक है राजपत्र में सबको साथ से चलने का नहीं लिखा है पहली बात, और दूसरी बात ये भैया बोल रहे हैं, ये तिलक भैया हमारे तिलक भैया ये बोल रहे हैं कि डीएसपी का, तिलक भैया मेरी बात सुनिए, मैं ये बोल रहा हूँ कि
तिलक भैया अपनी जगह सही होंगे, बढ़िया होंगे, लेकिन जो 370 आप जहाँ से सुधार कर रहे हैं उसके पहले से सुधार करना चाहिए, आपको प्रीलिमिनरी से सुधार करना चाहिए। वहां पर 1843 तो हेड, और अगर संख्या एक ही नंबर की देखिए भाई, आप तिलक भैया एक सेकंड ना, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं क्या बोला, तो आप और मैं तय नहीं कर सकते, आप और मैं तय नहीं कर सकते, न्यायपालिका तय कर चुकी है चीज को, मैं तो बोल रहा हूँ ना भाई, जो आप बात बोल रहे हो उस चीज को उच्च न्यायालय द्वारा तय कर चुका गया है, और अब फिर बोलोगे कि इसमें न्यायपालिका गलत है तो बता दीजिए, न्यायपालिका गलत है बोल दीजिए, हम सही है बोल दीजिए, नहीं उसके ऊपर सुप्रीम भी वो तय करेगा, सब स्वतंत्र है, सब न्यायालय जा सकते हैं, बिल्कुल भैया कोई बात ही नहीं, जब आपको नहीं बिल्कुल आप आपकी बात मानते मैं बताया ना आपका सुझाव मेरे को पसंद आया, मैं उच्चतम न्यायालय जाऊंगा भैया, धन्यवाद आपका ये बोलने के, थैंक यू, मेरे पास इतना नहीं था लेकिन आपका सुझाव मान के मैं जा रहा हूँ, जाऊंगा भैया जी। दीवान जी, न्यायालय का आदेश ही अंतिम न्यायालय नहीं है, जो उसके बाद में सुप्रीम है, सुप्रीम आदेश के बाद में फिर जनमत है, हमारे पास बहुत सारा कुछ है भी आगे पड़ा, लेकिन जो अभी वर्तमान में जो स्थितियां परिस्थितियां जो सब नहीं है, क्योंकि अब लोग सड़क पर उतरने को मजबूर हैं, चाहे भर्ती परीक्षा जो है रद्द करने की बात की जाए और चाहे रिजल्ट जारी करने की बात की जाए, जो सड़क पर लोग हैं वो तो सड़क पर अब आ चुके हैं, अब सरकार क्या निर्णय जो है ऐसे मिले जो उसके लिए सुगम भी हो, बहुत सरल हो, ज्यादा पीड़ा ना हो, सरकार को दिक्कत ना हो, क्योंकि भाजपा ने बोला तो था अपने जो है एजेंडे में कि हम आते ही आते जो है कहीं ना कहीं गंदगी साफ करेंगे, सफाई लाएंगे, और जो भर्तियां हैं वो बिल्कुल सही जो है उनमें हम न्याय करेंगे, जो भी गड़बड़ियां हैं क्यों नहीं सरकार कर पा रही, 9 महीने बीतने के बाद। सर एक चीज और बोल सकता हूं सर, मैं बता देता हूँ, जी बोले भैया, यही स्थिति बांग्लादेश में आई सर, बांग्लादेश में आज देखिए शेख हसीना को भागकर भारत में शरण लेना पड़ गया, वहां पे भी युवा वर्ग और विद्यार्थी वर्ग ही आंदोलन किया था, और उनका आक्रोश इतना बढ़ गया कि बांग्लादेश से शेख हसीना की सरकार गिर गई और वहां पे नई सरकार बन गई है, और शेख हसीना को शरण देने वाले भी हमारे राजनेता भारतीय जनता पार्टी के हैं, क्योंकि सरकार आज केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की, तो हम उन्हीं की बात करेंगे, और हमारे राज्य में भी आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अब जो सरकार में बैठने के बाद अपनी बातों पे अमल नहीं कर पा रहे हैं ये लोग, तो कहीं ना कहीं जिम्मेदार फिर से यही लोग हैं, आज दो पक्षों में युवा वर्ग बढ़ गया, आने वाले समय में और ज्यादा बढ़ सकता है, लेकिन आक्रोश तो सभी वर्ग के युवाओं के अंदर है, और जिम्मेदारी तय करवाना अब हमारा काम आ गया है, अब हमको ये स्थिति आ गई है कि जो लोग महीने के 3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए वेतन लेते हैं, सारी सुविधाएं लेते हैं, और नेता बनकर कुछ लोग हमारे ऊपर राज करते हैं, जो अधिकारी मोटी मोटी वेतन लेते हैं, आज उनकी जिम्मेदारियां तय नहीं हो पा रही हैं, और ये सिर्फ एक छत्तीसगढ़ राज्य की बात नहीं है, ये पूरे भारत की बात है, लेकिन मैं तो शुरुआत कर चुका हूं, तो अब शुरुआत तो छत्तीसगढ़ से ही होगी, और मैं इनकी जिम्मेदारियां तय करवाऊंगा, जिनके साथ गलत हुआ है उनके पक्ष में खड़ा रहूंगा, और किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा, ये तो तय है सर, क्योंकि जो भी बच्चा अन्याय का शिकार होगा उसके करियर की जिम्मेदारी कौन लेगा, जैसा कि आपने बोला था कि सिर्फ एक बच्चा या एक व्यक्ति से पीड़ित नहीं होता है, उसका पूरा परिवार, उसके आसपास के लोग, हर कोई परेशान हो जाते हैं, आज लोगों को सड़क में उतरने का मौका दे दिया है सरकार में बैठे हुए लोगों ने, और अधिकारियों की नाकामियों के कारण ये लोग सड़क पर आ चुके हैं, कल हम भी सड़क पर रहेंगे, आपको तो ये स्थितियां जो पैदा हुई हैं, इन स्थितियों से बचने के लिए अब हमको तो कार्रवाई करनी ही पड़ेगी जी। तिलक जी कुछ कह रहे थे, तिलक जी अब आप अपनी बात जो है पूरी कर सकते हैं क्या सर? मैं ये बोलूंगा कि सर देखिए, पहले कोई भी अभ्यर्थी प्री दिलाता है, ठीक है, प्री में वो सफल हो दिलाता है, वहां तक भी उसको कोई नहीं लगता है, क्योंकि वो मेंस दिला रहा है और वो अब जाके फिजिकल दिलाएगा, अगर फिजिकल में कोई फेल हो जाता है तो उसको ये भर्ती ना गड़बड़ी लगता है, और पास होते रहता तो ठीक लगता है उसको, तो मेरा कहना है जो प्री से जब फेल हुआ है और इतने दिन तक क्या वो सोया हुआ था, पहले क्या उसकी आंख नहीं खुली, जब सत्ता परिवर्तन हुआ और ये सब चीज हुआ तो इन लोगों को याद आया कि हाँ इसमें गड़बड़ी था करके, अभी भी उज्जवल भाई के साथ कुछ ऐसे नाम है
कि उन्होंने ऐसा 19 तारीख को जैसे रैली निकालेंगे बोल रहे उसमें, वो क्या प्री से फेल हुआ है, वो क्या मेल से फेल हुआ? उस समय तक ठीक था सर, फिजिकल में फेल होने के बाद फिजिकल में सर 100-200 कैमरा लगा है। अगर हम व्यक्तिगत जाना स्टार्ट हो गए, नाम दिए है ना, व्यक्तिगत जाना अगर हम स्टार्ट हो गए, यहीं बैठे बैठे अभी चार पांच नाम ले लेंगे। मैंने किसी का नाम नहीं लिया, जो आवेदन दिए है उनके बारे में बात बोला हूँ। तो सर एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया का वो भी हिस्सा है, प्रक्रिया का वो भी हिस्सा है। फिजिकल में फेल होने के बाद वो बोलता है भाई साहब केस आप अपना चेक कीजिएगा, आप आपके साथ जो नाम दिए हैं उन्होंने प्री से फेल नहीं हुआ है, अभी तो आपको प्री से लग रहा है। वो जब फिजिकल फेल हो जाता तब याद आता है, नहीं मेरे को एक और मौका मिल जाए मेरे को फिर से भर्ती दिलाने मिल जाएगा करके, ऐसा कहा नहीं होता है। बताइए पर्सनल नाम हो, सवाल जो है केवल एसपी के लिए, केवल पर्सनल अगर आप लड़ाई लड़ेंगे उसके लिए मंच नहीं है। पर्सनल मैं नहीं लड़ रहा हूँ सर, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कोई कोई अभ्यर्थी ऐसे है, बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ सर मैं। रोहन जी को मैं जानना चाहूंगा सर, रोहन जी कौन से स्टेज से फेल हुआ है ये भी जान सकता हूँ क्या मैं? मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ तिलक जी। जी जी, ये सवाल ये जो बड़ी संख्या में लोग हमें कमेंट कर रहे हैं, जो हमारे दर्शक भेज रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि पैसा डूब जाएगा 25 लाख, इसलिए भर्ती रद्द करो। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ 25 लाख कारण अगर परीक्षा रद्द हो जानी चाहिए तो क्या ये अगली बार जो परीक्षा होगी कैसे विश्वास करें लोग कि अगली बार जो है 25 लाख नहीं दिए जाएंगे या फिर 50 लाख नहीं दिए जाएंगे, महंगी और परीक्षा? सर मैं बोल रहा हूँ, अगर मैं बोलने 2012 में रमन सिंह जी ने क्या किया था, 655 पद के साथ भर्ती आई थी, जिसमें जब मोदी जी अरे भैया सुन लो 18 ही बोल रहा हूँ आप थोड़ा चेक कर लो, उसमें ये बोला गया था कि क्या बोलते हैं 655 पद के भर्ती थी, 1500 मीटर पुरुषों के लिए क्वालिफाई थी, 800 मीटर महिलाओं के लिए क्वालिफाई, उसके बाद पेपर और मेरिट लिस्ट। ठीक है भैया, ये था भर्ती का क्या बोलते हैं सीधा सीधा रूल। हम उस समय पांच चरणों में लेके आया, 2012 में भी भर्ती 5 चरणों में हुई थी, इसमें कोई दो राय नहीं 5 चरणों में नहीं हुई थी। लेकिन अब ये बताया ना कि फिजिकल, बिल्कुल मैं आपकी बात कहां अस्वीकार कर रहा हूँ, फिजिकल टेस्ट से पहले जो चौथा चरण था उसमें फिर से इनका नाप जोख क्यों नहीं हुआ जो 2012 में हुआ था, वहां से भी लड़के बाहर हुए थे, इसका जवाब दे दीजिए आप राजपत्र पढ़ लीजिए, ऐसा ही भर्ती नियम 2006 पढ़ लीजिए आप, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो, भर्ती 2012 का भर्ती नियम पढ़ लीजिए आप ना, पीएच को जाइए और पूछ, आप पुलिस विभाग में जाकर पूछ सकते हैं पर्सनली, वो लोग जवाब दे सकते हैं। अब भाई मैं एक अभ्यर्थी हूँ, मैं मेहनत करना जानता हूँ और मैं अपना लिस्ट लाना चाहता हूँ, तो लेके आइए भैया, तो आप पता कीजिए ना भैया पहले पूरा चीज को, तो पता कीजिए आप बोल रहे हो कि ये हो जाएगा वो जाएगा, अभी 25 लाख बोल रहे हो क्या, हम लोग 25 लाख देंगे हम लोग यहाँ पर आए कमेंट चल रहा है, अब हर कमेंट करने वाले जिम्मेदारी तो मैं नहीं लूंगा ना भैया, तिलक भैया हर कमेंट करने वाली जिम्मेदारी, मैं आवाज बंद नहीं करना चाहता हूँ किसी की, और मैं चाहता हूँ कि मंच सभी का है साझा करके, क्योंकि हमें बहुत लंबी लड़ाई अगर लड़नी है तो उसके लिए मंच जो है हमें लगातार चलाना पड़ेगा, हमने कल से शुरुआत की है और हम बंद नहीं करेंगे किसी दिन, आश्वासन दे रहे हैं सर। मैं एक ही चीज चाहता हूं सर कि मैंने इस भर्ती में 6 साल दिया है, मेहनत किया है और मेहनत का मुझे रिजल्ट चाहिए, मैं कुछ गलत मांग नहीं कर रहा हूं, और मेरे साथ 1400 अभ्यर्थी लोग हैं उन लोग को भी यही कहना है, जो मांग है आप बताइए सर, आप 6 साल कोई चीज की तैयारी करो बोलेंगे और कोई एक पार्टी आके बोलेगा, कोई व्यक्ति आके बोलेगा इसमें इसको भर्ती रद्द करो, तो भाई न्यायपालिका तो आदेश जो दे उसके में काम करो आप, लेकिन मैं 6 साल कहां लाऊंगा बताइए, सभी के साथ न्याय होगा। उज्ज्वल दीवान साहब, आर्टिकल 14 ये कहता है कि समानता का अधिकार है, थोड़ा सा ही पढ़ाऊ, ज्यादा नहीं पढ़ाऊ भैया लोग, जितना सफल नहीं हो पाया हूँ मैं, थोड़ा पढ़ाऊ मैं, उसी समानता के अधिकार के तहत वो भी आदेश दिए हैं क्या, संविधान न्यायपालिका नहीं पढ़ी है भैया, मैं तो संविधान जो है न्यायपालिका नहीं पढ़ी है, पहले बोल दिया आप इतना नहीं पढ़ाऊ भैया मैं, तो उस चीज न्यायपालिका को इतना, न्यायपालिका तो वो सबसे ज्यादा उसको डिपेंड करती है यार समानता का अधिकार को, किसी के साथ गलत मत हो, इसलिए तो हम जाते हैं कोर्ट, मौलिक अधिकारों का संरक्षण का सबसे ऊपरी जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की है, तो हम वहां चले जाएंगे, जा रहे हैं भैया आपके कहने पे जा रहे हैं आप स्वतंत्र है भाई, कोई भी न्यायपालिका दरवाजा खटखटा सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है,
उज्जवल जी, लड़ाई बहुत लंबी है और लड़नी भी सही ढंग से है, लेकिन कोई नेतृत्व करता एक नहीं हो पा रहा है, बातचीत एक नहीं हो पा रही है, सहमति नहीं आपसी बन पा रही है। जी तिलक जी, बाद में आता हूँ, पहले दीवान साहब से एक कमेंट ले लेता हूँ, क्योंकि उन्हीं के डिबेट में हैं आप आज, और ये डिबेट बड़ा लंबा चलने वाला है। आज तो है ही, कल भी रहेगा, परसों भी रहेगा, और सभी लोग तैयारी कर लें। प्रयास मेरा ये रहेगा कि सभी लोग अगर एक मंच पर आकर के एक आवाज़ के साथ में लड़े, न्याय सभी के साथ हो। ऐसा नहीं है कि जो लोग 6 साल की तैयारी कर रहे थे उनके साथ ही न्याय हो, न्याय हो, न्याय सभी के साथ होना चाहिए। दीवान साहब कितना सहमत हैं, क्योंकि न्याय के तो हकदार सभी हैं ना, सभी भारतीय हैं, सभी छात्र हैं, सभी मेहनती हैं, और सभी को इंसान मिलना चाहिए, जो जैसा मांग रहा वैसा भले ना मिले, लेकिन न्याय तो सभी के साथ होना चाहिए। जी न्याय होना चाहिए सर, इसीलिए तो आज हम मैदान पे उतर रहे हैं कि आज ये जो रोहन भाई भी हैं, हमारे देवांगन भाई भी हैं और भाई भी हैं, ये सभी लोग आज अपने अधिकारों के लिए ही तो आज यहाँ पर आके आपसे बात कर पा रहे हैं और अपने अधिकारियों के लिए लड़ रहे हैं लगातार। तो न्याय दिलाना जो बैठे हुए ऊपर हैं जिम्मेदार लोग, वो ही न्याय नहीं करना चाह रहे हैं। आज ये लड़ाई इतनी लंबी, इतनी दूर तक के क्यों चली गई? जो बेचारे योग्य थे कहीं ना कहीं आज वो पीछे हट गए, और जो एक तरफ योग्य हैं वो भी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो दोनों तरफ से इन्होंने तो लड़वा दिया जिम्मेदारी, लेकिन अभी तक किसी की तय नहीं की गई है शासन से। तो जब तक जिम्मेदारी तय नहीं होगी शासन से, तो तब तक ये स्थितियां लगातार निर्मित होती रहेंगी। और गलती जिन्होंने की है, आज इतना बड़ा राज्य में जो तमाशा हो पा रहा है, तो जिम्मेदार लोग बढ़िया अपने घर में खा के सो रहे हैं, उनको बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े बंगले मिले, उनकी जिम्मेदारी तय की जाए, उनको नौकरी से निकाला जाए, और इसके लिए अगर कोई मंत्री जिम्मेदार है तो उन मंत्रियों के ऊपर भी कार्रवाई की जाए। जी जिम्मेदारी तय होगी, ऐसी गलतियां गड़बड़ियां होनी अपने आप बंद हो जाएंगी। योग्य आदमी कभी जीवन में पीछे नहीं होना चाहिए, हमेशा उसको उसका अधिकार मिलना चाहिए, वो चाहे किसी भी पद का हकदार हो। योग्यता किसी की मोहताज नहीं है सर, और जो योग्य है उनके साथ गलत हुआ है तो हमको तो आवाज उठानी पड़ेगी, और हम आवाज उठाएंगे। एक सवाल और है कि क्या आपको लगता है, क्या आपको लगता है कि भर्ती परीक्षा की जांच की अगर बात की जाए, तो केवल एक FIR वर्सेस जांच हो जानी चाहिए क्या? और जांच होनी चाहिए, पुलिस की तो जांच हुई, लेकिन साथ में ये सवाल है कि क्या CBI के जांच की भी आने वाले समय में जरूरत पड़ सकती है क्या? अगर इस तरह से लेट चलता रहा और ये सारा कुछ होता रहा, तो आने वाले समय में तो फिर मांग हो ही जाएगी, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने की अगर बात हो रही है तो कल फिर CBI में भी जाने की बात होगी, तो हर तरह से लोग तो फिर करेंगे ना आंदोलन। और सरकार क्या यही चाहती है कि आप लड़ते रहो और आप जाते रहो आगे, दौड़ो, क्योंकि आप दौड़ोगे तो कहीं ना कहीं समय जो है आपका कटेगा ही, टाइम पास होगा आपका अच्छे से। जी सर, मेरे को अपने राज्य की पुलिस पे बहुत विश्वास है, इनको तो सपना आता है मेरे ऊपर 5-5 FIR दर्ज कर देते हैं, 2-2 राजद्रोह दर्ज कर देते हैं, मेरे को राजद्रोही बना देते हैं ये लोग, तो इनके ऊपर बहुत विश्वास है कि ये कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो CBI जांच की जरूरत ही नहीं है, जब इनके पास अगर FIR हुए हैं, पैसों के लेन देन के मामले उठे, उसको अगर सही तरीके से जांच कर देते तो आज बहुत सारी स्थितियां निर्मित नहीं होती। आपने उन जांचों को स्लो कर दिया, उसके बाद में यहाँ पर किसी की जिम्मेदारी तय नहीं की जा रही है, तो लोग परेशान हो रहे हैं, और स्वाभाविक सी बात है सभी वर्ग परेशान है, जो कट गए हैं उनकी परेशानी को भी आपको समझना पड़ेगा, और जो सेलेक्ट हो गए उनकी भी परेशानी को समझना पड़ेगा। तो मैं भ्रष्टाचारियों के खिलाफ हूँ, भ्रष्टाचार के खिलाफ हूँ, और इसके लिए लड़ेंगे। जब तक हम नहीं लड़ेंगे तब तक कि ये स्थितियां निर्मित होती रहेंगी सर, और बांग्लादेश इसका साक्षात उदाहरण है, इससे अगर हमारे देश वाले नहीं सीख पा रहे हैं तो ये इनकी गलती है, क्योंकि आज युवा वर्ग छत्तीसगढ़ का सड़क पे उतरने को मजबूर हो चुका है, और उतर चुका है मान के, क्योंकि एक पक्ष तो बेचारा है ही है, लेकिन दूसरा पक्ष हमारा 19 तारीख को जब उतरेगा तब इस राज्य के लोगों को पता चल पाएगा कि, और जो सत्ता में बैठे हैं, जो अधिकारी बैठे हैं, जिम्मेदार अधिकारी, उनको पता चलेगा कि युवा वर्ग होता क्या है और युवा वर्ग का आक्रोश क्या होता है। सारे पढ़े लिखे लोग हैं इसमें, भैया मेरी आवाज आ रही है?
बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है, आप बात कहिए। जी मैं ये कहना चाह रहा था भैया कि उज्जवल भैया जैसे बोल रहे हैं कि युवाओं के साथ जो अन्याय हो रहा है उसके लिए वे मैदान में उतर रहे हैं, तो मैं ये चाहता हूँ भैया कि उज्जवल भैया जब उतर रहे हैं मैदान में तो एक बैनर हमारा भी रहे उनके साथ कि एसआई रिजल्ट जारी करो, इनके साथ भी अन्याय हो रहा है करके। भैया आपको जवाब दे देता हूँ मैं। पिछले महीने 13 तारीख को ही ईवीएम और एटीएम को आवेदन दे दिया रैली निकाल के, एसआई भर्ती का रिजल्ट जारी करो। फिर मैं 21 तारीख को फिर रैली निकाल के फिर से वही आवेदन दिया हूँ, रिजल्ट जारी करो। और अभी तक के अगर उन्होंने रिजल्ट जारी नहीं किया है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ियां हुई है जिसकी आशंका दिख रही है, और गड़बड़ियां होने की आशंका दिख रही है क्योंकि रिजल्ट में इन्होंने लेट तो कर ही दिया है। तो हमको तो भ्रष्टाचार, मेरी लड़ाई भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ है, मैं फिर बोल रहा हूं। ना तो मेरी लड़ाई रोहन भाई की तरफ से है, ना तो आप लोगों की तरफ से है। मेरा स्पष्ट स्टैंड है भ्रष्टाचारियों के लिए, और जिन्होंने गलतियां की हैं जिनके कारण आज आप दोनों पक्ष आमने सामने आ गए हैं, मेरा स्पष्ट है कि मैं उन लोगों के खिलाफ खड़ा हो रहा हूँ। और जब तक के इन लोगों की जिम्मेदारी तय नहीं करेंगे सर, क्योंकि देखिए ये दोनों भविष्य हैं, दोनों पक्ष हमारे राज्य के भविष्य हैं। आज ये नौकरी सब इंस्पेक्टर बनेंगे तो भी, और नहीं बनेंगे तो हो सकता है और दूसरे पदों पे जाएंगे, क्योंकि ये तैयारियां कर रहे हैं और जो बच्चे तैयारियां कर रहे हैं इनका कहीं ना कहीं सिलेक्शन होना तो लगभग तय होता है। तो मेहनत करते हैं वो जांच की हम बात कर रहे थे रोहन जी। जी आप जी भैया, मैं आपके माध्यम से अंतिम में बस इतना ही कहना चाहता हूं कि 19 तारीख को हम एक आंदोलन कर रहे हैं, सरकार को उनका वादा याद दिलाना चाहते हैं। तो मैं छत्तीसगढ़ में आपके माध्यम से जितने भी मेरे युवा भाई सुन रहे हैं, मेरे साथ के मेरे बड़े, मेरे से बड़े मेरे से छोटे जो भी सुन रहे हैं, प्लीज हमारे साथ आइए और हमारा सपोर्ट खरीदा करें। जी लेकिन एक भ्रष्टाचार हुआ है कि नहीं ये तभी समझ आएगा ना जब रिजल्ट आएगा। अभी से कैसे बोल सकते हैं आपकी कौन क्या किया है कि नहीं किया है। जैसे पीएससी का रिजल्ट आया तब लोगों को समझ आया कि इस नेता के बच्चे का नाम है, इस अधिकारी के बच्चे का नाम है, दो दो बच्चों का नाम है, तो इसका जांच होना चाहिए। ये सब हो रहा है, अभी सीबीआई जांच इसीलिए हो रहा है उसमें, तो इसमें रिजल्ट ही नहीं आया। तेजपाल भैया भर्ती की जांच खुद मांग कर रहे हैं, बिल्कुल जांच होना चाहिए। तेजपाल भैया ऐसा जरूरी नहीं है कि रिजल्ट आने के बाद जांच, जांच का मतलब गड़बड़ी का मतलब जांच से होता है, जांच होगी तो गलतियां समझ में आई, गलती कहां से हुआ। रिजल्ट आने के बाद जांच का कोई मतलब नहीं है, ठीक है तो जांच आप करवा। तो आज के इस कार्यक्रम में किसी भी मांग में कभी भी हम नहीं देखे कि एसआई भर्ती का जांच होना चाहिए, तो जांच तेजपाल जी हमारे पास समय जो है इतना ही था। रोहन जी, तेजपाल साहब, उज्जवल दीवान साहब और जो हमारे साथ पैनलिस्ट जुड़े थे उन सभी का धन्यवाद कि उन्होंने बात रखी। लेकिन कल फिर हम इसी वक्त और नए मेहमानों के साथ हम जुड़ेंगे और बात फिर वही होगी, छत्तीसगढ़ में आखिर जो भर्ती है उस पर क्या होना चाहिए, रोक लगनी चाहिए, रद्द होनी चाहिए या फिर रिजल्ट आना चाहिए, इसको लेकर के, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार ने हाई कोर्ट की भी बात नहीं मानी और अभी तक रिजल्ट जारी नहीं किया है, तो बड़ा कौन है? सवाल वही है कि बड़ी छत्तीसगढ़ सरकार या फिर छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट। तो इस कार्यक्रम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार और आप देखते रहिए देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम।